अपराधियों और भू माफियाओं के खिलाफ पुलिस और प्रशासन का एक्शन लगातार जारी है। अतीक अहमद, दिलीप मिश्रा, राजेश यादव, बच्चा पासी के बाद आज पूर्व सपा विधायक विजमा यादव के भाई रामलोचन यादव की अवैध संपत्तियों पर सरकारी बुलडोजर चला। रामलोचन के धूमनगंज के कन्हैपुर में मकान और गेस्ट हाउस को ध्वस्त किया गया। आरोप है कि रामलोचन ने अपने आपराधिक रसूख का इस्तेमाल करके कुछ सरकारी जमीन पर तो कब्जा किया ही और बिना अनुमति के नक्शा पास कराए निर्माण करा लिया। ये कुख्यात अपराधी हिस्ट्री शीटर रामलोचन यादव का गेस्ट हाउस है। इसका प्लॉट एरिया 1500 स्क्वायर मीटर है। इसकी दो फ्लोर का कंस्ट्रक्शन है, ग्राउंड फ्लोर और फर्स्ट फ्लोर। इसका मानचित्र स्वीकृत कराए बिना अवैध निर्माण कराया गया था। प्रयागराज विकास प्राधिकरण ने इसका विधिक ध्वस्तीकरण आदेश पारित किया है, जिसके क्रम में आज ज्वाइंटली प्रशासन और पुलिस के साथ हम लोग उसको डिमोलिश करवा रहे हैं, ध्वस्त करा रहे हैं। रामलोचन यादव पर धूमनगंज के अलावा कई अन्य थानों में हत्या के प्रयास, रंगदारी, मारपीट, धमकी देने और जमीन कब्जे के दर्जनों मामले दर्ज हैं। योगी सरकार में साल 2017 में प्रयागराज के भू माफियाओं की लिस्ट बनी थी, जिसमें रामलोचन का नाम 8वें नंबर पर है।